असल नाजरीन रोजगार खबरनामा लिये हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की जानब से एक नोटिफिकेशन इजरा हुई है जिसकी रूह से जम्मू कश्मीर के ख्वाहिशमंद नीज अहल उम्मीदवारों से ऑनलाइन मोड के जरिये दरख्वास्तें तलब की जाती हैं और यह दरखास्तें जूनियर कमीशन ऑफ जे एंड के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के पोलिस सर्विस और के अकाउंट सर्विस की एक सौ सत्तासी असामियां पूर्व करने के लिए उम्मीदवारों से तलब की जाती है के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर कुल छप्पन असामियां पूर्व की जानी है, जिनमें से अट्ठाईस असामियां ओपन मैरिट छह असामियां आरबीए पांच असामिया, असामिया, असामिया एससी छह असामिया एसटी दो आसामिया एएलसीओ आईबी पांच असामिया ई जब्ल्यूस दो असामिया पीएससी और दो असामिया एसएलसी के लिए मखसूस रखी गई है जेएनके पोलिस सर्विस के अंदर कुल इकहत्तर असामिया पूर्व की जानी है जिनमें से उपमेरिट के लिए पैंतीस आरबीए के लिए सात एससी के लिए छह एसटी के लिए सात एएलसीओ आईबी के लिए तीन ईडब्ल्यूएस के लिए सात पीएससी के लिए तीन और एसएलसी के लिए भी तीन ही असामिया मखसूस रखी गई है जम्मू कश्मीर अकाउंट सर्विस के अंदर कुल साठ असामिया की जानी हैं जिनमें से इकतीस असामिया ओपमेर छह असामिया आरबीए पांच असामिया एस सी छह असामिया एस टी दो असामिया ईएलसी और आई बी छह असामिया ईडब्ल्यूएस दो असामिया पीएससी और दो असामिया एस एल सी के लिए मखसूस रखी गई है तालीम तबियत दरखास्तें देने वाले उम्मीदवार किसी तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट के अंदर बैचलर्स डिग्री रखते उम्मीदवारों की उम्र यकम जनवरी दो हजार इक्कीस को इक्कीस और सैंतीस साल के दरमिया होनी चाहिए उम्र की यह हद ओपन मैरिट से वाबस्ता उम्मीदवारों के लिए मुक्र हुई है रिजर्व कैटेगरीज के, के उम्मीदवार उम्र की ऊपरी हद में दो साल जबकि जिसमानी तौर माजूर उम्मीदवार उम्र की बालाई हद में तीन साल तक की छूट पा सकते हैं उम्मीदवारों के लिए जो फिजिकल एलिजिबिलिटी मुकर्र हुई है उसकी रूह से मर्द उम्मीदवार एक सौ पैंसठ सेंटीमीटर का कद रखने के साथ चौरासी सेंटीमीटर की छाती बिन फ्लाए और नवासी सेंटीमीटर की छाती फ्लाए रखते हों जबकि खवतान उम्मीदवार एक सौ पचास सेंटीमीटर का कद रखने के साथ उनासी सेंटीमीटर की छाती बिन फ्लाए और चौरासी सेंटीमीटर की छाती फ्लाए रखते हों दरख्वास्तें देने वाले आम जुमरे के उम्मीदवारों को एक हजार जबकि दरख्वास्तें देने वाले मखसूस जुमरों के उम्मीदवारों को पांच सौ रूपये की एप्लीकेशन फी अदा करनी होगी जिसमानी तौर माजूर उम्मीदवार फीस की अदायगी से मुस्तना रखे गए हैं ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अपनी ऑनलाइन दरख्वास्त बारह अप्रैल दो हजार इक्कीस तक जमा कर सकते हैं वेबसाइट है डब्ल्यू 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 डॉट जेके पी एस सी डॉट एनआईसी डॉट इन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने रोजगार से जुड़ी एक एडवर्टीजमेंट जारी की है जिसके मुताबिक कॉरपोरेशन में मुख्तलि जुमरों की असामियां पूर्व की जानी है और इन्हें पूर करने के लिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से ऑनलाइन मोड के जरिए दरखास्तें तलब की जाती है असामियों से जुड़ी जानकारी यू है अस्टेंट जनरल मैनेजर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन तीस असामिया तनख्वाह का स्केल साठ हजार और एक लाख अस्सी हजार के दरमियान अस्टेंट जनरल मैनेजर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट की पूर्ण की जाने वाली इन तीस असामियों में से बारह असामिया उपमेरिट तीन असामिया एस सी तीन असामिया एस टी नौ असामिया ओबीसी और तीन असामिया ईडब्ल्यूएस के तहत पूर्ण की जानी है तालीमी काबिलियत उम्मीदवार किसी शुदा यूनिवर्सिटी से या तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रखते हों या फिर ए सी ए आई सी डब्ल्यू या एसीएस याफ्ता होने चाहिए या फिर उम्मीदवार लॉ के अंदर बैचलर्स डिग्री रखते हों या फिर किसी शुदा यूनिवर्सिटी से लॉ के अंदर ही पचपन फीसद नंबरात के साथ पांच साल इंटीग्रेटेड कोर्स रखते हों दरखास्तें देने वाले ओपन मैरिट से वाबस्ता उम्मीदवारों की उम्र यकम जनवरी दो को तीस साल तक होनी चाहिए मुख्तिक जुमरों से वाबस्ता उम्मीदवार जिसमानी तौर माजूर उम्मीदवार और एफ सी आई से वाबस्ता उम्मीदवार उम्र की हद में सरकारी कवायद की रूह से छूट पाने के मुस्तक होंगे उम्र की हद में छूट के अलावा मुख्तलिफुमरों से वाबस्ता उम्मीदवारों और जिसमानी तौर माजूर उम्मीदवारों को तालीमी काबिलियत में नंबरत की शराह में भी पांच फीसद की रियायत दी जाएगी और यूं इन उम्मीदवारों के लिए नंबरात की शरह सिर्फ पचास फीसद रखी जायेगी असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल सत्ताईस असामिया तनख्वाह का स्केल साठ हजार और एक लाख अस्सी हजार के दरमियान उम्मीदवार यकम जनवरी 2021 को 28 साल तक की उम्र के होने चाहिए एस सी एस से वाबस्ता उम्मीदवारों को उम्र की ऊपरी हद में पांच साल ओबीसी से वाबस्ता उम्मीदवारों को तीन साल एफसीआई के मुलाजमी को बाईस साल और ओपन मैरिट से वाबस्ता जिसमानी तरमाजूर उम्मीदवारों को उम्र की ऊपरी हद में दस साल की नरमी मिलेगी पूरी की जाने वाली सत्ताईस असामियों में से चौदह आसामिया ओपन मैरिट पांच असामिया, असामिया एस एक असामी एस टी चार असामिया ओबीसी और तीन असामिया ईडब्ल्यूएस के तहत पूर्व की जानी है तालीम काबिलियत दरख्वास्तें देने वाले उम्मीदवार किसी तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटी से पचपन फीसद नंबरात के साथ या तो बीएससी एग्रीकल्चर होने चाहिए या फिर फूड साइंस में पचपन फीसद नंबरात के साथ बीई या बीटेक होने चाहिए नंबरात की ये शरह ओपन मैरिट से वाबस्ता उम्मीदवारों के लिए रहेगी अलबत् एस सी एस टी से वाबस्ता उम्मीदवारों नेज जिसमानी तौर माजूर उम्मीदवारों के लिए नंबरात की शरह पचास फीसद ही मुकर की गई है एस्टन जनरल मैनेजर अकाउंट्स बाईस असामिया तनख्वा का स्केल साठ हजार और एक लाख अस्सी हजार के दरमियान आम जुमरे से वाबस्ता उम्मीदवार यकम जनवरी दो हजार इक्कीस को अट्ठाईस साल तक की उम्र के होने चाहिए एस सी एस टी से वाबस्ता उम्मीदवार ओ बी सी से वाबस्ता उम्मीदवार जिसमानी तौर माजूर उम्मीदवार और एफ सी आई से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार उम्र की बालाई हद में एफ सी आई के कवायद के हिसाब से छूट पाने के मुस्तक होंगे पूर्व की जाने वाली बाईस असामियों में से बारह असामिया ओपन मैरिट चार असामिया एस सी एक असामी एस टी तीन असामिया ओ बी सी और दो असामिया ईडब्ल्यू एस के तहत पूर्व की जानी है दरख्वास्तें देने वाले उम्मीदवार या तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के एसोसिएट मेंबर होने चाहिए असिस्टेंट जनरल मैनेजर लॉ आर्ट असामिया तनख्वाह का स्केल साठ और एक लाख अस्सी हजार के दरमियान उम्मीदवारों की उम्र ज्यादा से ज्यादा यकम जनवरी 2021 को 33 साल तक होनी चाहिए उम्र के इस हद का तयन आम जुमरे से वाबस्ता उम्मीदवारों के लिए होगा एस सी एस टी से वाबस्ता उम्मीदवारों को उम्र की ऊपरी हद में पांच साल ओबीसी से वाबस्ता उम्मीदवारों को तीन साल एफसीआई से वाबस्ता उम्मीदवारों को सत्रह साल जिसमानी तौर माजूर ओपन मैरिट के उम्मीदवारों को दस साल जिसमानी तौर माजूर एस सी एस टी से वाबस्ता उम्मीदवारों को पंद्रह साल और जिसमानी तौर माजूर ओबीसी से वाबस्ता उम्मीदवारों को उम्र की बालाई हद में तेरह साल की नरमी मिलेगी पूर्ण की जाने वाली आठ असामियों में से चार आसामियां ओपन मैरिट एक आसामी एससी, एक आसामी एसटी, एक आसामी ओबीसी और एक आसामी ई के तहत पूर्ण की जानी है तालीमी काबिलियत दरख्वास्तें देने वाले उम्मीदवार किसी तस्लिमशुदा यूनिवर्सिटी से अव्वल लॉ के अंदर फुल टाइम डिग्री रखते हों और दो आम लोगों से जुड़े मामला निपटाने का बहसियत प्रैक्टिसिंग लॉयर का पांच साल तजुर्बा रखते हों उम्मीदवार अपने मौकिलों की हर साल कम अज कम तीन बार नुमाइंदगी करता हो मेडिकल ऑफिसर दो असामियां तनख्वाह का स्केल पचास हजार और एक लाख साठ हजार के दरमिया दरख्वास्तें देने वाले आम जुमरे से वाबस्ता उम्मीदवारों की उम्र यकम जनवरी दो हजार इक्कीस को ज्यादा से ज्यादा पैंतीस साल तक होनी चाहिए मखसूस जुमरों से वाबस्ता उम्मीदवार एफ सी आई से वाबस्ता उम्मीदवार और जिसमानी तौर मजूर हर एक जुमरे के उम्मीदवार उम्र की ऊपरी हद में एफ सी आई के लिए सरकार की जानब से जारी कवायद की रूह से छूट पाने के मुस्तक होंगे उम्मीदवार अव्वल एमबीबीएस की डिग्री रखते हों और दो ऑर्गेनाइज मेडिकल इंस्टीट्यूशन बल्कि तरजीह तौर एक लेबर ऑर्गेनाइजेशन में तीन साल तजुर्बा रखते हों दरख्वास्तें देने वाले उम्मीदवारों को एक हजार रूपये की एप्लीकेशन फी अदा करनी होगी उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए तहरी इम्तिहान मुनद किया जाएगा और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर निज लद्दाख से वाबस्ता उम्मीदवारों के लिए इम्तिहानी मरकज जम्मू में कायम किया जाएगा तहरी इम्तिहान ऑनलाइन ही लिया जाएगा और और इमकानी तौर यह टेस्ट रवा साल के मई या जून महीने में लिया जाएगा उम्मीदवार अपनी ऑनलाइन दरख्वास्तें इकतीस मार्च दो हजार इक्कीस तक जमा कर सकते हैं उम्मीदवारों के गोशे गुजार ये बात भी रहे कि वो एग्जामिनेशन की तारीख से दस दिन कबल ही कॉल लेटर्स एफ सी आई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं मुफसल जानकारी नीज कॉल लेटर्स डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट है डब्ल्यू 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 बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक एडवर्टीजमेंट नोटिस जारी की है जिसके मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन को मुख्तलि जुमरों की असामियां पूर्व करनी है और इन्हें पूर्ण करने के लिए उम्मीदवारों से वजा करदा फॉर्मेट पर ऑफलाइन दरख्वास्तें दरखास्तें तलब की जाती हैं असामियां है। ड्राफ्टमैन तैंतालीस असामिया उम्मीदवार साइंस सब्जेक्ट्स के साथ बारहवीं पास होने के अलावा आर्किटेक्चर या ड्राफ्टमैनशिप में किसी तस्लीमशुदा इदारे से दो साल सर्टिफिकेट रखते हों तनख्वाह का स्केल उनतीस 29 हजार दो सौ बानवे हजार तीन सौ उम्मीदवारों की उम्र अट्ठारह और सत्ताईस साल के दरमिया होनी चाहिए ड्राफ्टमैन पोस्ट की इन तैंतालीस असामियों में से उन्नीस असामिया ओपन मैरिट छह असामिया एससी तीन असामिया एसटी ग्यारह असामिया ओबीसी और चार आसामिया ईडब्ल्यूएस के तहत पूर्ति जानी है सुपरवाइजर स्टोर ग्यारह आसामियां उम्मीदवार किसी तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटी से डिग्री याफ्ता होने के अलावा मेटीरियल मैनेजमेंट इन्वेंट्री कंट्रोल या फिर स्टोर कीपिंग में किसी तस्लीमशुदा इदारे से सर्टिफिकेट रखते हों तनख्वाह का स्केल पच्चीस हजार पांच सौ इक्यासी हजार एक सौ उम्मीदवारों की उम्र अट्ठारह और सत्ताईस साल के दरमिया होनी चाहिए पूरी की जाने वाली ग्यारह आसामियों में से सात आसामियां ओपन मैरिट एक असामी एस दो असामिया ओबीसी और एक असामी ईडब्ल्यूएस के तहत पूर्व की जानी है रेडियो मैकेनिक चार असामिया उम्मीदवार किसी तस्लीमशुदा बोर्ड से दसवीं पास होने के अलावा आईटीआई से रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट रखने के साथ गवर्नमेंट पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज़ेज़ में बहसती रेडियो मैकेनिक के दो साल तजुर्बा रखते हों तनख्वा का स्केल पच्ची हजार पांच सौ इक्यासी हजार एक सौ उम्मीदवारों की उम्र अट्ठारह और सत्ताईस साल के दरमिया होनी चाहिए रेडियो मैकेनिक की इन चार आसामियों में से तीन असामियां ओपन मैरिट और एक आसामी ओबीसी जुमरे के लिए मखसूस रखी गई है लैब असिस्टेंट एक आसामी जो कि ओपन मैरिट के तहत पुर की जानी है उम्मीदवार किसी तस्लीमशुदा बोर्ड से बारहवीं पास होने के साथ आईटीआई आई की जारी करदा लेबोरेटरी असिस्टेंट सर्टिफिकेट रखते हों तनख्वाह का स्केल इक्कीस हजार सात सौ उनहत्तर हजार एक सौ उम्मीदवारों की उम्र अट्ठारह और सत्ताईस साल के दरमियान होनी चाहिए। मल्टी स्किल्ड वर्कर मैसन सौ असामिया उम्मीदवार किसी शुदा बोर्ड से दसवीं पास होने के साथ इंजन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जानव से जारी करदा सर्टिफिकेट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या ब्रिक्स मैसन रखते हो तनख्वाह का स्केल अट्ठारह हजार और छप्पन हजार नौ सौ के दरमिया रहेगा उम्मीदवार अट्ठारह और पच्चीस साल के दरमिया उम्र रखते हों पूर् की जाने वाली सौ असामियों में से इकतालीस असामिया ओपन मैरिट पन्द्रह असामिया एस सात असामिया सत्ताईस असामिया ओबीसी और दस असामिया ईडब्ल्यूएस के तहत पूर्ण की जानी है मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक १५० असामिया उम्मीदवार दसवीं पास होने के साथ आईटीआई आईटीसी या एस सी टी की जानब से जारी करदा सर्टिफिकेट ऑफ मैकेनिक मोटर व्हीकल्स या ट्रैक्टर रखते हों तनकाकास कासगेल इन असामियों के लिए भी अट्ठारह हजार और छप्पन हजार नौ सौ के दरमियान रहेगा और इन असामियों के लिए भी उम्मीदवार अट्ठारह और पच्चीस साल के दरमियान उम्र रखते हों पूर की जाने वाली एक सौ पचास असामियों में से बासठ असामिया उपनैरिट बाईस आसामिया एस सी ग्यारह आसामिया एस टी चालीस असामियां ओबीसी और पन्द्रह असामियां ईडब्ल्यू के तहत पूर्व की जानी हैं और स्टोर कीपर टेक्निकल डेढ़ सौ असामिया उम्मीदवार किसी तस्लिमशुदा बोर्ड से बारहवीं पास या इसके मसावी तालीम याफ्ता होने के साथ स्टोर कीपिंग की व्हीकल्स या फिर इंजीनियरिंग इक्विपमेंट के साथ जुड़ी नॉलेज रखते हों तनख्वाह का स्केल उन्नीस हजार नौ सौ तिरसठ हजार दो सौ उम्मीदवार अट्ठारह और सत्ताईस साल के दरमियान उम्र रखते हों पूर्ण की जाने वाली एक सौ पचास आसामियों में से बासठ आसामियां उपमेरिट बाईस आसामिया एस सी ग्यारह असामिया एस टी चालीस असामिया ओबीसी और पन्द्रह आसामिया ईडब्ल्यूएस के तहत पूर की जानी है दरख्वास्त चार अप्रैल दो हजार इक्कीस तक इस पते पर इस साल की जा सकती हैं पता है कमांडेंट जीआरईएफ सेंटर डीजी कैंप पुणे चार एक, एक सिफर एक पांच एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन इजरा की है जिसकी ओर से अथॉरिटी को ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से ऑनलाइन दरखास्तें मतलूब हैं जो कि अथॉरिटी के अंदर अप्रेंटिस की पच्चीस असामियां पूर्ण करने के लिए उम्मीदवारों से तलब की जाती है तालीमी काबिलियत के हिसाब से असामियां इस तरह से बांट दी गई हैं ग्रैजुएट मैकेनिक कम ऑटो मैकेनिक तीन असामिया ग्रैजुएट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कम इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कम ईईई चार असामिया ग्रैजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग एक असामी ग्रैजुएट इन कंप्यूटर साइंस एक असामी ग्रैजुएट इन एरोनॉटिकल कम ऑटोमोबाइल दो असामिया डिप्लोमा इन ऑटो मैकेनिक एक असामी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एक असामी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन कम इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कम ईईई दस आसामिया डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एक आसामी और डिप्लोमा इन सिविल एक असामी उम्मीदवारों के इंतजाम के लिए तहरी इम्तान मुनद किया जाएगा लेकिन तहरी इम्तान में कामयाबी पाने वाले उम्मीदवारों का इंतबाव आर्जी होगा और हतमी इंत का फैसला इंटरव्यू असनाद की छानबीन और ज्वाइन करते वक्त फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाने पर मुंहसर होगा शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए उनकी जानव से दिए गए रजिस्टर्ड ईमेल के जरिए मुतला किया जाएगा मुंतखब होने वाले ग्रेजुएट अप्रेंटिस को माहाना पन्द्रह हजार रूपये और मंतखब होने वाले डिप्लोमा अप्रेंटिस को महाना बारह हजार रूपये की सैलरी मिलेगी उम्मीदवार अपनी ऑनलाइन दरखास्तें पच्चीस मार्च दो तक जमा कर सकते हैं वेबसाइट है डब्ल्यू 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 ए ए ए ए नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज को ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से ऑनलाइन मोड के जरिए दरख्वास्तें मतलूब हैं जो कि मुख्तलि ट्रेड्स के अंदर अप्रेंटिस पोस्ट की असामियां पुर करने के लिए उम्मीदवारों से तल की जाती हैं जिन ट्रेड्स के अंदर असामियां पुर की जानी हैं वो कुछ इस तरह से हैं फिटर दो सौ छियासी असामिया वेल्डर ग्यारह असामिया मैकेनिक चौरासी असामिया कारपेंटर ग्यारह असामिया और इलेक्ट्रीशियन अट्ठासी असामिया दरख्वास्तें देने वाले उम्मीदवार किसी तस्लीमशुदा बोर्ड से अव्वल पचास फीसद नंबर के साथ दसवीं पास होने चाहिए और दो उम्मीदवार आईटीआई सर्टिफिकेट याफ्ता मुतलिका ट्रेड में होने चाहिए उम्मीदवार 15 और 24 साल तक की उम्र के होने चाहिए उम्र की यह ओपन मैरिट के उम्मीदवारों के लिए होगी और मखसूस उम्रों के उम्मीदवार उम्र की ऊपरी हद में सरकार की जानब से रेलवेज के लिए मुकर करदा जवाबित के हिसाब से छूट पा सकते हैं उम्मीदवारों का मुशायरा रेलवेज की जानब से वक्ता फवक्ता जारी की जाने वाली इंस्ट्रक्शन के हिसाब से दिया जाएगा ओपन मैरिट से वाबस्ता उम्मीदवारों को एक सौ सत्तर रूपये की एप्लीकेशन फी अदा करनी होगी अलबत् एस सी एस टी से वाबस्ता उम्मीदवारों जिसमानी तौर मजूर उम्मीदवारों और खुवान उम्मीदवारों को कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अपनी ऑनलाइन दरख्वास्तें 16 अप्रैल 2021 तक जमा कर सकते हैं वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट एन सी डॉट इंडियन रेलवे डॉट जी ओ वी डॉट इन नाजरीन ये था आज का रोजगार खबरनामा अगले हफ्ते आपसे इंशाल्लाह फिर मिलेंगे जब तक के लिए अल्लाह हाफिज